तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों, मेरठ सेंट्रल से लेकर और प्रतापपुर का तो आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उससे पहले रिठानी तक का आप लोगों ने देखा था, तो इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों प्रतापपुर से लेकर और मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन दिखाएंगे चलकर दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो दोस्तों। तो ये आ चुका है प्रतापपुर RRTS का स्टेशन, तस्वीर आप लोग देख सकते हो जिसमें कि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। रूफ टॉप का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, एक साइड का दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का बनाया जा रहा है दोस्तों। ये तो मतलब फाइनल स्टेज में ही है एक साइड का दोस्तों, दूसरी साइड का अभी इस पर फाउंडेशन बना दिया है, अब ऊपर को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाएंगे चल के आप सभी को दोस्तों, क्योंकि सारा बायोडक्ट जुड़ चुका है दोस्तों। अब इस पर रेलिंग लगाई जा रही है, रेलिंग लगाए जाने के बाद में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के देखो खंभे भी लगा दिए जा रहे हैं। अब इस पर OHE वायर का काम किया जाएगा दोस्तों, और इस पर अभी इस टाइम पर दोस्तों ट्रैक स्लैब भी बिछाए जा रहे हैं दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, तो चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि आगे मेरठ साउथ के स्टेशन पर क्या क्या वर्क किया जा रहा है इस टाइम पर दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। तो ये है ROB रेलवे ओवर ब्रिज दोस्तों, इसके लेफ्ट हैंड से सीधी निकल जाएगी दोस्तों और सामने ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो प्रतापपुर में ही आकर दोस्तों ख़त्म होता और यहीं से ये स्टार्ट हो जाता दोस्तों। तो इस एक्सप्रेसवे के बगल बगल से ये लाइन जा रही है दोस्तों, और पिछली बार जब मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था तब यहाँ पर दो पिलर बचे हुए थे बनने के लिए, वो भी बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। देख सकते हो स्ट्रीट लाइट के खंभे लगा दिए हैं और इस पर रेलिंग लगा दी है दोनों साइडों में, और ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है दोस्तों। अब इस पर OHE और OHE वायर का काम किया जाना है, बस यही काम बचा हुआ है दोस्तों। दिखाते हैं, देखो आप लोगों को यहाँ की हाइट कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे को दोस्तों क्रॉस कर रही है RRTS की लाइन। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को कौन से पिलर बचे हुए थे बनने के लिए, वो आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ इस वीडियो में। देखो ये वाले पिलर हैं, ये दोनों पिलर हैं जो काफ़ी टाइम लगा बनने में दोस्तों, ये इसको भी टाइम लगा बनने में, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल किनारे पर ही बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ से देख सकते हो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रही है दोस्तों RRTS की लाइन, और जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही दोस्तों मेरठ साउथ का स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर 4 ट्रैक बनाए गए हैं दोस्तों, 2 तो बनाए गए हैं रैपिड रेल के लिए और 2 बनाए गए हैं दोस्तों मेरठ मेट्रो के लिए दोस्तों। दोनों साइडों में देखो, एक साइड में तो मेरठ मेट्रो रुकेगी, दोनों साइडों में ही रुकेगी, और बीच वाले ट्रैक पे दोस्तों RRTS चलेगी। तो देखो आप लोग के एक ही ट्रैक पे 2-2 ट्रेनें चला करेंगी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। मैं बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, सारे पे ही यहाँ पर डेंट पेंट हो चुका है दोस्तों। और इसका आपको बता दूँ कि मेरठ साउथ के स्टेशन का फिनिशिंग का काम किया जा रहा अंदर का दोस्तों, और बाकी बाहर का आप लोगों को बता दूँ कि दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट बना लिए जा चुके हैं दोस्तों, उस पर एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं और रूफटॉप का स्ट्रक्चर है वो भी लगाया जा रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में इस पर प्लास्टर किया जाएगा, फिनिशिंग का काम किया जाएगा, पार्किंग भी बनाने का काम किया जा रहा है इस टाइम पर दोस्तों। तो आप लोग देखो बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। तो आप लोगों को बता दूँ क्या मेरठ साउथ तक तो ये ऐसा समझो कि कम्प्लीट ही होने वाला है, कुछ दिनों में हो जाएगा कम्प्लीट, थोड़ा बहुत ही काम इसमें बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों मेरठ साउथ तक। अभी तो मोदी नगर नॉर्थ तक ही अभी स्टार्ट हुई है और अब ये यहाँ तक ही दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग देखो कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट का काम किया जा रहा है बनाने का, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। देखो रूफटॉप भी लगा दिया इन्होंने और रूफटॉप का स्ट्रक्चर भी कहीं कहीं बचा हुआ है, बाकी देखो किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा
देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को आगे भी अपडेट देखने के लिए मिलेंगे अच्छे अच्छे नई नई जगहों के। अब आप लोगों को अगले वीडियोस में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप सभी को दोस्तों मयूर विहार, न्यू अशोक नगर और सराय खाले खां का अपडेट देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स लाता रहता हूँ आप लोगों के बीच में दोस्तों। और आप लोगों को हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों चल रहा है इस टाइम पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही हमारे देश को दोस्तों बदला जा रहा है। तकदीर तस्वीर दोनों ही बदली जा रही हैं, दिन रात दोस्तों बदलने में लग रही है मोदी सरकार। तो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।